मैं अगेन आ चुका हूँ एक फ्री 24/7 होस्टिंग लेके, क्योंकि आपको फ्री का सर्वर तो देंगे ही बट उसके साथ 24/7 अपटाइम भी होगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आपको सर्वर क्रिएट कैसे करना है, कितना जीबी का सर्वर आपको फ्री में मिलेगा और अगर आप उसको अपग्रेड फ्री में कर पाओ तो कैसे करोगे, सब कुछ जानते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस इस होस्टिंग में आपको 24/7 फ्री सर्वर बनाने के लिए आपको ये वाला डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में दे दूंगा। उस पे आप क्लिक करो और इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू डिस्कॉर्ड सर्वर इनका ज्वाइन करते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ लिंक वाले सेक्शन में एंटर करोगे और यहाँ पे आपको तीन लिंक दिखेगा, एक वेबसाइट, एक बिलिंग, एक पैनल। अगर आप वेबसाइट पे क्लिक करके इनके वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ प्राइसिंग पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इनका पेड प्लान दिखेगा, जैसे कि 199 का, जिसमें आपको 2GB और ये सारे फीचर्स होंगे। 299 का प्लान है जो कि ये फीचर्स होंगे, 450 का प्लान और 699 एंड 999 का इनका प्लान है, जिसमें हाईएस्ट आपको 32GB रैम का सर्वर भी मिलेगा। पर ये सब तो है इनका पेड प्लान। फ्री प्लान क्या है? तो फ्री प्लान के लिए आपको ये जो इनका सेकंड लिंक है बिलिंग का, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इनके इस वाले वेबसाइट पे आना है। इस वाले वेबसाइट पे बस पेड प्लान है, आप यहाँ से पेड प्लान ले सकते हो। पर अगर आपको फ्री सर्वर चाहिए तो आप इनके सेकंड लिंक बिलिंग पे क्लिक करके इस वाले वेबसाइट पे आ जाओ और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर अ न्यू मेंबरशिप का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आप अपना एक यूजर नेम डाल दो, तो मैंने यहाँ पे संजीव गेमिंग डाल दिया, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दो, तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। फिर आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे भी डालना है, तो मैं पासवर्ड डालता हूँ फिर मिलता हूँ। तो ये मैंने पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों डाल दिया। फिर आपको इस पे क्लिक करके आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक कर देना है और फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोलेगा द नेम मस्ट ओनली कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स। तो ये संजीव गेमिंग में मैंने जो स्पेस दिया ना, इस स्पेस को आपको काट देना, स्पेस नहीं देना। जो भी नाम दोगे वो सटा हुआ होना चाहिए और बस इंग्लिश का अल्फाबेट या नंबर होना चाहिए, कोई साइन वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे डैश स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो मैं संजीव गेमिंग डाल दिया, ईमेल डाल दिया, दोबारा पासवर्ड डालता हूँ। तो ये मैंने दोबारा पासवर्ड डाल दिया, फिर इस पे मैं आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करूंगा और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। तो अब हमारा देखो यहाँ पे रजिस्टर बन चुका है, मैं सेव पासवर्ड कर लिया। उसके बाद आपका कुछ ऐसा पैनल ओपन होगा, तो आपको यहाँ सर्वर दिखेगा, उस पे क्लिक करना है, आपको क्रिएट सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे उफ्स लिख के आएगा और आपको ओके करने बोलेगा, तो ओके कर देना। इसके बाद आपको लॉग इन विद डिस्कॉर्ड करना है, आपको इसको डिस्कॉर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आप इसमें लॉग इन कर पाओगे। तो ये लॉग इन विद डिस्कॉर्ड पे क्लिक करना, आपको ऑथराइज करने बोलेगा, ऑथराइज कर देना, तो आपका डिस्कॉर्ड सर्वर इनके पैनल के साथ लिंक हो गया। अब आपका यहाँ पे ऑथराइज भी हो गया और यहाँ पे 5 coin भी मिल गया, यहाँ पे देखो 5 coin भी है। उसके बाद आप दोबारा सर्वर पे क्लिक करके सर्वर पे जाओ, क्रिएट सर्वर पे क्लिक करो और यहाँ पे आप अपने सर्वर का नाम डाल दो। तो मैंने यहाँ नेम में संजीव गेमिंग नेम डाल दिया। उसके बाद सॉफ्टवेयर पे आपको क्लिक करना है, माइनक्राफ्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पेपर सिलेक्ट हो जाएगा, पेपर सिलेक्ट कर लो। और इनका जो नोड है वो भी इंडियन नोड है, मतलब कि आपको इसके अंदर पिंग काफी मस्त आने वाला, लैग वगैरह का काफी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि इंडियन नोड पे इनका सर्वर है। वाओ, और इनका जो फ्री प्लान है वो देखो, पहला जो फ्री प्लान है वो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 week कोर्स, मेमोरी आपको 2GB मिलेगा, डिस्क 6GB और बैकअप 1 and 1 बस। तो ये हमारा फ्री प्लान है, बट इसके लिए यहाँ पे आपको 100 credit लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ क्लिक करके रिडीम कोड में जाओ और यहाँ पे आप समर में आप ये कोड डाल दो, मेरा संजीव गेमिंग OP प्रोमो, SGOP ये आप लोग प्रोमो कोड डाल के यहाँ पे रिडीम पे क्लिक करो, आपको 100 coin मेरे तरफ से मिल जाएगा और आप इस कोड को हर मंथ एक बार इस वाले कोड को यूज करके 100 coin ले पाओगे, मतलब कि आप 100 coin आपको हर मंथ मिलता रहेगा। तो आप हर मंथ आप यहाँ से 2GB का सर्वर क्रिएट कर पाओगे। अब यहाँ पे आपका 100 coin हो चुका है, आप रिफ्रेश करोगे तो दिख जाएगा, जैसे कि मैं करके दिखाई देता हूँ, ये रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे 105 coin हो गया। तो आप 105 coin होने के बाद दोबारा यहाँ पे नाम डाल दो, संजीत गेमिंग, और उसके बाद गेम में माइनक्राफ्ट पेपर इंडियन, और यहाँ पे आपका 100 coin 105 है, तो आपका एक मंथ आराम से चलेगा। यहाँ क्रिएट सर्वर पे क्लिक करो और हाँ, अभी इतना सुन के जाओ मत, 2GB को 4GB में आप अपग्रेड भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो बताऊंगा, पहले ये क्रिएट करके देख लेते हैं सर्वर कैसा है और फिर उसके बाद मैं आपको अपग्रेड करने कैसे अपग्रेड वगैरह करना है वो सब बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहो। तो क्रिएट सर्वर करने के बाद आपका ऐसे सर्वर क्रिएट हो गया। अब ऐसे ही टोटल 3 सर्वर यहाँ पे दिख रहा, तो 3 सर्वर आई थिंक बना सकते हो। तो 3 सर्वर बनने के बाद अब आपका सर्वर क्रिएट हो गया। अब आप मैनेज पे क्लिक करो, मैनेज पे क्लिक करोगे तो इनका पैनल खुल जाएगा और पैनल में आप वही वाला ईमेल और पासवर्ड डाल दो, जिस ईमेल और पासवर्ड से आपने आईडी क्रिएट किया है। तो आपको ईमेल यहाँ यूजर नेम नहीं डालना, ईमेल डालना है, जिस ईमेल आईडी पे आपने बनाया है। तो ये मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, फिर लॉगिन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेव पासवर्ड कर लूंगा और हमारा पैनल लॉगिन हो गया।
बाय चांस वीडियो डालू और बहुत सारे बंदे एक साथ जाएंगे और इनका सर्वर ओवरलोड के कारण बाय चांस क्रैश हो जाए, ऑन होने में टाइम लगे, तो आप चिंता मत करना, आप बस इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में जाना या नीचे में आप इनके चिट चैट में बात करना, वो आप लोग अनाउंसमेंट कर देंगे आपको। हो सकता है कोई भी मैं न्यू होस्टिंग वीडियो डालता हूं तो वो ओवरलोड के कारण क्रैश होता है, तो अगर क्रैश होता है तो आप एक दो घंटे बाद या कल दोबारा ट्राई करना, तो आपका सर्वर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, स्मूथ चलेगा, परफेक्ट चलेगा। बट जब वीडियो डालता हूं ना तो बहुत सारे बंदे एक साथ जाते हैं तो इनका वेबसाइट वगैरह कभी कभी ओवरलोड से क्रैश हो जाता है, तो उसे आप लोग टेंशन मत लेना, आप नेक्स्ट डे ट्राई करना, आपका बन जाएगा। तो आप देखो आप हमारा पैनल लॉग इन हो गया, यहाँ पे सर्वर हमारा दिख रहा है संजीत गेमिंग, इसके यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कॉन्सोल के अंदर चले जाओगे और यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको कॉन्सोल है, फाइल्स है, सब कुछ है। तो आपको एक बार ना सर्वर को स्टार्ट कर लेना है, आपका सर्वर बन जाए, उसके बाद आप इसके अंदर प्लग इन वगैरह कैसे डालोगे वो भी दिखाऊंगा, इनका खुद का कस्टम प्लग इन है अटर्नस टाइप का, बट ये पहले सर्वर स्टार्ट करते हैं फिर दिखाता हूँ। तो ये देखो सर्वर स्टार्ट हो रहा है, पर ये जो हमारा सर्वर है 1.20.4 में अभी स्टार्ट हो रहा, अगर आप इसको 1.20.1 में करना चाहते हो पर आपको पता नहीं कैसे करते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा और आप अपने सर्वर को 1.20.1 में कर लोगे। बाकी ये आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना तो आपका सर्वर स्टार्ट होने लगेगा, और सर्वर स्टार्ट करते हैं फिर मिलता हूँ। तो देखो यहाँ पे 52 सेकंड के अंदर हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम आपको सर्वर को ऐसा चाहते हो कि टी लॉन्चर के बंदे भी खेल पाए तो फाइल पे क्लिक करके फाइल के अंदर जाना, आपको यहाँ पे सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज का फाइल दिखेगा, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको देखो मैक्स प्लेयर है, अगर आप चाहते हो 20 प्लेयर से ज्यादा खेले तो आप यहाँ पे स्लॉट ज्यादा कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो टी लॉन्चर वाले बंदे खेल पाए तो यहाँ ऑनलाइन मोड है, इसके ट्रू को काट देना और यहाँ पे लिख देना फॉल्स, तो यहाँ पे टी लॉन्चर वाले बंदे भी आपको सर्वर को ज्वाइन कर पाएंगे, बस फॉल्स को लिख के यहाँ पे सेव कंटेंट पे क्लिक करना और आप अपने सर्वर को रिस्टार्ट करोगे तो टी लॉन्चर वाले बंदे भी ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी इनके प्लग इन मैनेजर में जाओगे तो आप इनके वेबसाइट से ही प्लग इन इंस्टॉल कर पाओगे, जैसे मेरे को वीआर वर्जन डालना है कि वीआर वर्जन लेटेस्ट वर्जन के बंदे भी मेरे सर्वर को ज्वाइन कर पाए तो मैं वीआर वर्जन के इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे ही मैं वीआर बैकवर्ड डालूंगा, ये डाल दिया, स्क्रीन रिस्टोरर डालना है वो डाल दूंगा, और मल्टीवर्स को प्लेस होल्डर जो भी आपको प्लग इन यहाँ पे आपको दिखे वो डालना है तो आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करोगे वो अपलोड हो जाएगा। बाकी आपको अलग से प्लग इन डालना है तो आप फाइल पे क्लिक करके फाइल में जाओ, प्लग इन का फाइल दिखेगा इस पे क्लिक करके इसके अंदर जाओ, अपलोड पे क्लिक करोगे तो अपलोड पे क्लिक करो एंड आपको जो भी प्लग इन डालना हो यहाँ से सिलेक्ट करके डाल दो, जैसे कि ये गीजर स्पीकर और फ्लूट गेट है, ये दोनों को मैं सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक किया तो मेरा गीजर और फ्लूट गेट का प्लग इन भी यहाँ पे अपलोड हो गया। बाकी वीआर वर्जन और वीआर बैकवर्ड ऑटोमेटिक वहीं से अपलोड हो चुका है जो कि मैंने प्लग इन मैनेजर से ही डाल दिया, तो आप वहां से भी प्लग इन डाल सकते हो या फिर आप कस्टम भी डाल सकते हो, और उसको डालने के बाद कंसोल में जाओ, सर्वर को रिस्टार्ट कर दो तो आप पॉकेट वाले भी ज्वाइन कर पाएंगे गीजर एमसी की मदद से। अगर उनको अनेबल टू कनेक्ट का दिक्कत आता है तो आप ये वाली वीडियो देखो और इसको देख के अनेबल टू कनेक्ट का प्रॉब्लम को ठीक कर लो, सेम टू सेम उसको फॉलो करोगे तो आपका अनेबल टू कनेक्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बाकी वीआर वर्जन वीआर बैकवर्ड सब डाल चुके हैं तो आप कोई भी वर्जन के बंदे आपके सर्वर को ज्वाइन कर पाएंगे, तो अब मैं सर्वर ज्वाइन करके दिखाता हूं कि सही है कि नहीं और उसके बाद आपको इसको अपग्रेड कैसे करना है वो बताता हूं। तो लेट्स गो, थोड़ा वेट करते हैं, तब तक आप लोग लाइक करो, आज की वीडियो का लाइक गोल है 500 लाइक, क्योंकि आज के आज करवा दोगे तो मजा आ जाएगा, मैं नेक्स्ट वीक एक और मस्त होस्टिंग लेके आ जाऊंगा, तो प्लीज 500 लाइक जल्दी से जल्दी करवा दो। तो देखो यहाँ पे 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर हमारा सर्वर रनिंग हो गया है, थोड़ा मैं पानी पी रहा था तो 5 सेकंड लेट हो गया, वरना 1 मिनट 5 सेकंड में हमारा प्लग इन डालने के बाद भी सर्वर स्टार्ट हो गया, मतलब कि काफी फास्ट है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आईपी दिखेगा, इस पे क्लिक करके आईपी कॉपी कर लूंगा, फिर गेम के अंदर जाऊंगा, एड सर्वर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आईपी डालूंगा और डन पे क्लिक करूंगा, और फिर रिफ्रेश करके मैं एकदम नीचे जाऊंगा तो हमने जो सर्वर एड किया है वो दिख जाएगा, ये रहा सर्वर, तो मैं इसको ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो अब हमारा सर्वर ज्वाइन होगा। और चलिए देखते हैं, ये ओ भाई साहब इंडियन नोट का यही लाभ है, देखिए कितना फास्ट ज्वाइन हुआ, थोड़ा भी लोडिंग में भी टाइम नहीं लगा, और यहाँ पे पिंग भी देखोगे तो आपका पिंग काफी मस्त होगा, पिंग वगैरह काफी मस्त आएगा, एकदम स्मूथ चलेगा, फुल नेटवर्क मेरा सब चीज दिख रहा है। और अगर ऑपरेटर बनना है तो वही पैनल में जाओ और यहाँ पे लिख दो ओपी, अपना यूजर नेम संजीत गेमिंग YT एंड इंटर, तो मैं ऑपरेटर बन गया, फिर गेम में जाओ, ऑपरेटर बन चुके हैं, क्रिएटिव हो जाओ और आपका सर्वर काफी मस्त ऐड हो चुका है, काफी आप इजीली इसको खेल सकते हो एंड इसमें बूम बम कर सकते हो जो कि काफी मस्त है, और पिंग वगैरह काफी स्मूथ आने वाला है, फुल नेटवर्क वाओ। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ 24/7 सर्वर चाहते हो कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल पाओ तो आप इसको यूज कर सकते हो, जो कि इंडियन नोट भी है, काफी फास्ट भी है, 24/7 भी है, 2GB का रैम भी है और आप इसमें प्लग इन वगैरह सब चीज कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा 20-25 बंदे या 30 बंदे के आसपास खिलाओ तो आप इसको 4GB तक अपग्रेड भी कर सकते हो, वो कैसे करना है चलिए वो जानते हैं। तो उसके लिए 2-3 ऑप्शन है, आप एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कि आप इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में जाओ, यहाँ रिवॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका इनका रिवॉर्ड सेक्शन दिखेगा, जिसमें आप इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को अगर एक बार बूस्ट करोगे तो आप 4
4GB के सर्वर को, 4GB तक के सर्वर को इसमें बना पाओगे। बस एक बार अगर आप बूस्ट करते हो तो आप हमेशा के लिए आप 4GB तक का सर्वर यूज कर पाओगे, और अगर आप दो बार बूस्ट करते हो तो आपको 8GB रैम तक का सर्वर मिल जाएगा हमेशा के लिए। सॉरी, यहाँ नीचे लिखा हुआ है एक्सपायर हमेशा के लिए नहीं है, इफ बूस्ट एक्सपायर सर्वर ऑल्सो एक्सपायर, मतलब बूस्ट जब तक आपका रहेगा तब तक आपका सर्वर 4GB 8GB जितना भी मिलेगा उतना रहेगा, एक्सपायर के बाद नहीं रहेगा। आई एम सो सॉरी। तो ये तो हो गया एक तरह से पैसों का, क्योंकि बूस्ट करने के लिए तो पैसे वगैरह लगेंगे, तो बूस्ट तो आप शायद नहीं कर पाओगे। फ्री में 4GB कैसे करोगे चलिए वो जानते हैं। उसके लिए ना आपको इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में कोई दो बंदे इनवाइट करने हैं। अगर आप इनके सर्वर में दो बंदे इनवाइट करते हो तो आप इनके चिट चैट में जाना और यहाँ पे लिखना /invite/invites लिख के इंटर करोगे, और फिर इंटर करोगे तो आपका ऐसे इनवाइट होगा और लिख के आ जाएगा यू करनली हैव 0 इनवाइट। अगर आप दो बंदे को इनवाइट करोगे तो यहाँ पे लिख आएगा यू करनली हैव 2 इनवाइट, और जब आपके पास यहाँ पे 2 इनवाइट हो जाएगा उसके बाद आपको इनके टिकट में जाना है और टिकट क्रिएट करना है, और इनको बोलना अपने टिकट के अंदर बोलना है कि ब्रो मैंने आपके सर्वर में दो बंदों को इनवाइट करके बुलाया है, अब आप मेरा सर्वर 4GB का अपग्रेड कर दो। तो वो एक मंथ के लिए आपके सर्वर को 4GB कर देंगे। अगर आप चाहते हो उसको नेक्स्ट मंथ दोबारा रिन्यू करना तो आपको फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा दो बंदे को इनवाइट करना पड़ेगा। दो बंदे तो आप कैसे भी इधर उधर से इनवाइट कर ही सकते हो, तो अगर आप दो बंदे इनवाइट करते हो तो हर मंथ आपका 4GB में अपग्रेड हो जाएगा, पर अगर आप दो बंदे इनवाइट नहीं करोगे तो 2GB आपका परमानेंट फ्री रहेगा। बस आप मेरा जो कोड है उसको बार बार रिडीम करना और उसे 100 कॉइन लेके अपना 2GB वाला सर्वर को इंजॉय करना। तो बस यही आज का वीडियो था। अगर आप एटर्नस वगैरह यूज करते हो जहाँ पे आपका हर एक 15 मिनट में सर्वर ऑफ होते रहता है और बहुत ज्यादा लैग होता है, पिंग हाई होता है, तो उसके जगह आप इस सर्वर को यूज कर सकते हो जो कि 2GB परमानेंट फ्री है, 24/7 है और इंडियन नोट्स है जो कि काफी बढ़िया है, और आप दो बंदे को इन्वाइट करके इसको 4GB तक अपग्रेड तक कर सकते हो जो कि आप एटर्नस में कभी नहीं कर पाओगे। तो इस हिसाब से ये एटर्नस से बढ़िया है, जाओ एक बार ट्राई करो, इंजॉय करो। बट अगर अभी ये सर्वर क्रैश हुआ पड़ा होगा आई होप तो आप हाइपर मत होना, कल ट्राई करना, कल आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा और आप इजीली सर्वर को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि आज ओवरलोड के कारण मे भी क्रैश हो चुका हो, आई डोंट नो। बाकी आपको इनका होस्टिंग कैसा लगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसे और भी होस्टिंग और ऐसे और भी मस्त मस्त कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहता है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।